तो है गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे SJVN को लेकर। SJVN को लेकर मार्केट क्लोजिंग के बाद एक अच्छी खबर आते हुए नजर आई है। खबर क्या है उसके बारे में जानेंगे डिटेल में, और उसका कितना इफेक्ट आने वाले टाइम में स्टॉक के ऊपर हमें देखने को मिलेगा, और साथ में डिस्कस करेंगे। आपने देखा होगा अभी जब मार्केट में करेक्शन हो रहा था तो ये शेयर भी हमें ऊपर के भाव से 10-12% के करीब टूटते हुए नजर आया था। कम से कम 15% आई थिंक ऊपर के भाव से टूटा, 10-15%, क्योंकि स्टॉक 75 के आसपास था और वहाँ से स्टॉक नीचे में 63 रुपये के लेवल आपको दिखा चुका था, तो काफ़ी बड़ा फॉल स्टॉक में बना था भाई। ठीक है, तो वहाँ पर बहुत सारे निवेशक ऐसे थे जो परेशान हो गए थे। ठीक है, यहाँ पर जो ना अभी उनके मन में डर आ गया था कि स्टॉक में पता नहीं आगे क्या होगा। देखो भाई, जब भी कहीं भी मार्केट के चलते किसी भी शेयर में गिरावट आती है ना, अच्छा कम अगर शेयर हो, अच्छी कंपनी हो, उस शेयर में अगर गिरावट आती है मार्केट की वजह से, तो मार्केट के चलते स्टॉक में रिकवरी के भी चांस होते हैं और वो रिकवरी बनती है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देखोगे मार्केट चलते जो शेयर है वो लगभग 74-75 के आसपास से टूटा। अभी के टाइम में आप लोग देखोगे 69 रुपये 40 पैसे के भाव में आ गया है ना, रिकवरी दे गया स्टॉक ने, काफ़ी शानदार रिकवरी दी है। लगभग 8-10% के करीब जो शेयर वो नीचे के भाव से उछल चुका है। ठीक है, तो जल्द से जल्द आप लोग देखोगे ऊपर के लेवल और टच कर सकता है ये। ठीक है, अभी आप लोगों को पता होगा यही तो Q2 के नंबर आने हैं, वहाँ पर काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कंपनी कर सकती है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं आखिरकार अपडेट क्या है मार्केट क्लोजिंग के बाद, और उसका कैसा इफेक्ट हमें मंडे के दिन स्टॉक के ऊपर देखने को मिलेगा। साथ में जो वॉल्यूम आई थी 2,74,00,000 के करीब वॉल्यूम भी आई, और जैसे जैसे मार्केट में आहिस्ता आहिस्ता तेजी बनेगी ना, उसी प्रकार ये शेयर भी आपको आहिस्ता आहिस्ता चढ़ते हुए नजर आएगा। तो चलिए अब देखते हैं जो खबर आई है वो। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे कल रात को कंपनी ने एक नोटिस पब्लिश किया 27/10/2023 को। इस नोटिस में हमें क्या देखने को मिला है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, यानी कि MOU, कंपनी ने एक MOU साइन किया है, देख सकते हो, द एजिस ऑफ इंडिया नॉर्वे टास्क फोर्स। ठीक है, फॉर एनर्जी। तो यहाँ पर क्या देखने को मिला कि कंपनी की तरफ से एक MOU साइन किया गया है। ठीक है, और ये MOU साइन किसके साथ किया गया है, ये किया गया है ओशियन सन नॉर्वे जो कंपनी है उसके साथ। ठीक है, और इसके अंदर क्या होगा, जो कंपनी SJVN इसकी जो सहायक कंपनी है, ठीक है, जो सब्सिडरी कंपनी है किसकी, SJVN की, तो उसके द्वारा जो ना अभी ये साइन हुआ है। और इससे क्या होगा कि यहाँ पर देखोगे फोर कोलेबरेशन इन द फील्ड ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज इन ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी सेक्टर। तो ग्रीन और क्लीन एनर्जी सेक्टर के अंदर न्यू टेक्नोलॉजी के लिए आप लोग देखोगे ये कोलेबरेशन हुआ है इन दोनों के बीच। और इसका कितना क्या होगा, तो यहाँ पर आप लोग देखोगे इनका है कि भी कहीं पर भी ये, ठीक है, इन इंडिया के अंदर कहीं पर भी ये जो ना लगभग 2 MW का एक सोलर, ठीक है, फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट जो ना भी लगाएगी, उससे क्या होगा, यहाँ पर देखोगे जो फाइनेंस और जो डेवलप है वो आप लोग देखोगे भी SJVN करेगी। और उसके बाद आप लोग देखोगे इसका जो पैट, यहाँ से देखोगे भी फॉर दिस प्रोजेक्ट पेटेंट टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट शैल बी प्रोवाइड बाय ओशियन सन। तो ये कंपनी इसकी जो पेटेंट टेक्नोलॉजीज है, सपोर्ट है, वो ये कंपनी करेगी। तो ये अपडेट आते हुए नजर आई है, इसका इफेक्ट आपको पता होगा अभी स्टॉक के ऊपर रहेगा। ठीक है, आगे चलकर और भी इनके बीच में जो ना भी आप लोग देखोगे साझेदारी हो सकती है, और भी जो ना ये बड़े प्रोजेक्ट्स भी जो ना भी ले सकती है, इसका इफेक्ट स्टॉक के ऊपर एज ए लॉन्ग टर्म में अच्छा देखने को मिलेगा। तो ये MOU साइन हुआ दोनों कंपनियों के बीच। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। चलिए एक बार देख लेते भी इसका चार्ट भी। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी स्टॉक नीचे के भाव में टूटा था, सभी को नुकसान हुआ। ठीक है, उसके बाद जो शेयर है वो फिर से रिकवरी ले रहे हैं मार्केट में, जैसे जैसे तेजी बन रही है ये स्टॉक भी आपको रिकवरी दिखा रहा है। 69.10 के ऊपर में स्टॉक पहुंचा है, अगर रहता है तो काफ़ी अच्छी बात, एक अच्छे खासे रेंज में है। और नीचे में सपोर्ट 67.10 रुपये और सेकेंड सपोर्ट है 61 रुपये, तो ये इसके सपोर्ट निकले भी ऊपर में। और टारगेट की बात करें तो ये 74 रुपये के आसपास फिर से जा सकता है। ठीक है, बाय होल्ड सेल की मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कोई भी डिसीजन लेना खुद की रिसर्च और एनालिसिस करके लीजिए। और रही बात Q2 रिजल्ट डेट की, तो अभी तक अनाउंस नहीं हुई, जैसे अनाउंस हो जाएगी उसके बारे में भी आपको डिटेल में बातें जो बता देंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।